बैंकों का फंसा कर्ज GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कई वर्षों के निचले लेवल 2.8% पर घटकर आ गया है, जबकि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NNPA रेशियो मार्च 2024 में घटकर 0.6% पर आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी दी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और वित्तीय स्थिरता की राह में जोखिम की समीक्षा की गई है। इसी रिपोर्ट में बैंकों के फंसे हुए कर्ज में आई कमी का खुलासा भी किया गया है। RBI की इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक सभी बैंकों के ग्रॉस NPA में सुधार होकर 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर तनाव के हालात में सरकार बैंकों का फंसा हुआ कर्ज की हिस्सेदारी मार्च 2024 के 3.7% से बढ़कर मार्च 2025 में 4.1% तक जा सकती है। निजी बैंकों का ग्रॉस NPA 1.8% से बढ़कर 2.8% तो विदेशी बैंकों का 1.2% से बढ़कर ग्रॉस NPA 1.3% हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सिस्टम तेज और गतिशील बना हुआ है। बैलेंस शीट में सुधार, बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाएं ज्यादा कर्ज देकर आर्थिक गतिविधि को रिपोर्ट करने का काम कर रहे हैं।